आज के इस डिजिटल युग में हमारे पास काम करने के और अर्न करने के बहुत सारे वे, उनमें से एक वे है सोशल मीडिया से अर्निंग करना। आज के इस कोविड के टाइम पे लोग अपने घर से बाहर निकल के काम करना बहुत ही कम पसंद करते हैं, और इसके साथ साथ लोग आज के टाइम पे ऑनलाइन खरीदारी में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। सो इसी टाइम में और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके आज के समय में बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको भी यह जानना है कि आप भी किस तरीके से अपने सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं को कमर्स के बारे में। को कमर्स क्या है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसके ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको को कमर्स के वर्क को क्यों करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से आपको इस समय में को कमर्स के बिजनेस को करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है पैसिव इनकम। को कमर्स बिजनेस के अंदर आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मीनिंग क्या होता है? पैसिव इनकम का मीनिंग होता है कि जब आप काम नहीं भी कर रहे तब भी आपको जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम होती है। आप कहीं वेकेशन पे गए हुए हैं, आप फैमिली के साथ टूर पे गए हुए हैं, या आप नहीं भी काम कर रहे तब भी आपको पैसा आता रहता है। मैं ये नहीं बोलता कि को कमर्स के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सही तरीके से सेटअप और बिल्ड कर लेते हो तो एक समय में आपके पास पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस काम को करने के लिए किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसको कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि को कमर्स के बिजनेस को करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही हमें किसी भी प्रकार के स्टाफ को हायर करने की जरूरत है। जब हमारे पास कोई स्टाफ और ऑफिस नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी बिल या सैलरी पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बिजनेस के अंदर हमारे जो लॉस की पॉसिबिलिटीज होती है वो ना के बराबर होती है। इसलिए इस बिजनेस को कॉस्ट इफेक्टिव बिजनेस भी बोला जाता है। इसको करने का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी लोकेशन की बैरियर नहीं है। अगर आपको 9 से 5 की ड्यूटी पसंद नहीं है तो यह काम आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस काम को करने के लिए आपको ना तो ऑफिस जाने की जरूरत है और ना ही 9 से 5 बैठने की जरूरत है। आप अपना वर्किंग टाइम खुद डिसाइड करते हैं, आपको सुबह करना है, आपको शाम को करना है, आपको इवनिंग में करना है। और सबसे बड़ी बात, आप इसको ट्रैवलिंग करते समय भी कर सकते हैं, आप इसको वेकेशंस पे गए हुए भी कर सकते हैं, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी इस काम को आप कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार के लोकेशंस और टाइम बाउंडेशंस नहीं होती, आप एक फील फ्री इस बिजनेस को। और लास्ट और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई पर्टिकुलर लीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि आप जिस चीज के बारे में जानते आप उसी से रिलेटेड ही काम को कर सकते हैं, बट को कमर्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको ना तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत है, ना ही इसके अंदर आपको आपके खुद के प्रोडक्ट्स को लेके आने की जरूरत है। आप असॉर्ट की वेबसाइट पे जाके जैसे ही साइन अप करते उसके अंदर जितने ही असॉर्ट के इनहाउस या वेंडर प्रोडक्ट है उन सभी को आप सेल कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर कोई भी इंसान आपका रेफरल कोड यूज करके असॉर्ट से साइन अप करता है और फिर वो असॉर्ट की वेबसाइट से कुछ भी खरीदता है, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने की वजह से आपको वहां से आपका रेफरल कमीशन जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी इंसान आपके रेफरल कोड से एक बार असॉर्ट में साइन अप कर लेता है और फिर जब भी वह असॉर्ट से खरीदारी करता है तो उसकी वजह से आपको आपका रेफरल कमीशन आता ही रहता है। सो इन कारणों की वजह से मुझे लगता है कि आज के समय में हर इंसान को कमर्स का बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में और जानना है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे इस बिजनेस के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।